तो प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर्स कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय का। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षा पेपर कैसा आएगा। दोस्तों वीडियो की लंबाई जरूर थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, पर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम ये देख लेते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों इनकी संख्या 1 × 6 यानी कि 6 अंक के ये पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको करते हैं हल। तो पहला देखा जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो दोस्तों पुनः पूर्ति योग आप इसके ऊपर मानवीकृत अजैव अचक्री, तो पुनः पूर्ति योग ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो आपको दोस्तों इसका ये लगा देना है। और आगे देखें किस प्रकार का संसाधन नहीं है, तो दोस्तों इसमें यह आ जाएगा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसका अगर देखें तो अधिक सिंचाई आ जाएगा, ये इसका दूसरा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 का राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी चित्रकार कौन है? तो दोस्तों वो है फ्रेडरिक सारियो। और अगर चौथा प्रश्न देखा जाए दोस्तों, तो चौथे प्रश्न का स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया? तो दोस्तों उन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगर देखा जाए दोस्तों, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है। दोस्तों लोकमत के मार्ग में बाधा क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा जातिवाद। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो घरेलू बाजार में राष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित सिद्ध हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो घ वाला हो जाएगा, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने सभी सही विकल्प और उन सभी के उत्तर हमने देख लिए हैं, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सोल्यूशन भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों, रिक्त स्थान पूर्ति यहाँ पर दिया गया है। रिक्त स्थान पूर्ति की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपसे 1 × 7 यानी कि 7 अंक में आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है, तो दोस्तों कितने प्रतिशत है? तो ये है दोस्तों 9.3%। तो आप इसको लिख लीजिएगा 9.3%, ये सघन वन क्षेत्र है। तो आप पूरा इसको लिख लीजिएगा। और आगे की बात की जाए दोस्तों, तो अगला जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा नगर पालिका। तो आप इसमें लिख ले नगर पालिका के द्वारा, तो आप इसमें नगर पालिका लिख ले नगर पालिका। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देख लेते हैं। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगला दिया गया है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव में पारित हुआ। दोस्तों कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को। तो इसका राइट आंसर लिख लो 31 दिसंबर 1929 को। दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है? छपाई के लिए कंपोज करने वाला क्या कहलाता है? तो ये आपको लिखना है, तो उसको कहते थे कंपोजिटर। तो इसमें कंपोजिटर इसका हो जाएगा कंपोजिटर। छपाई के लिए कंपोज करने वाला क्या होता था? कंपोजिटर। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा कंपोजिटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत की वर्तमान पंचायत राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन पर ये आधारित है। और अगला देखा जाए दोस्तों, तो 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर प्रतिशत है? तो दोस्तों कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 65.46% है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, ISI का सुरक्षा चिन्ह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक सुरक्षा चिन्ह है ये ISI, आप इसके ऊपर चिन्ह लगा ले लिख ले। तो दोस्तों ये आपके पूरे रिक्त स्थान पूर्ति हो चुकी है। तो रिक्त स्थान पूर्ति पूरी हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को हल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी, तो चलिए सही जोड़ी मिलान कर लेते हैं हम। तो स्टेपलर का जो सही जोड़ी है दोस्तों, इससे फर्स्ट वाले से मिल सेकेंड वाले से मिल जाएगी। फुलर किसे कहते हैं दोस्तों? तो फुलर वाले की जोड़ी दोस्तों छठे से मिलेगी, तो फुलर में आपको ये लगा लेना है। और तीसरे का दोस्तों हो जाएगा पहला सिंगली समुदाय श्रीलंका का है। फेडकोर संगठन किसका है दोस्तों?
चौथे की बात की जाए दोस्तों तो चौथे का तीसरा आंसर हो जाएगा, आप इसके चिन्ह इससे लगा ले। पांचवे की बात की जाए दोस्तों तो पांचवे की जोड़ी पांचवे से ही मिलेगी और सूती वस्त्र उद्योग का अहमदाबाद में, ये पूरी आपकी जोड़ी मिलान हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को भी समझ लेते हैं। आगे प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो चलिए समझते हैं इनको भी और इनका सॉल्यूशन भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मरुस्थली मृदा का रंग कैसा होता है? तो मरुस्थली मृदा का रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका लाइव आंसर हो जाएगा लाल भूरा। कैसा? लाल भूरा रंग होता है मरुस्थली मृदा का। अगला देखिए दोस्तों, तो सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल क्या है? तो दोस्तों तो गिर के जंगल इसका आवास स्थल है, गिर के जंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जलेबेराइन। क्या था तीसरा क्वेश्चन है? जलेबेराइन क्या था? जर्मन शुल्क संघ था ये। क्या था? जर्मन शुल्क संघ। तो आप इसका राइट आंसर लिख लें। अगला अगर देखा जाए दोस्तों तो अगला देख सकते हो आप, कॉर्नलॉग क्या था? कॉर्नलॉग का बात करें दोस्तों तो चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न की अगर बात की जाए दोस्तों तो कॉर्नलॉग क्या था ये आपको बताना है। तो कॉर्नलॉग क्या था ये आपको लिखना है इस जगह पर। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो ये इसका आ जाएगा दोस्तों कुसेल्स। कुसेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए अगले प्रश्न की तो शपथ पत्र से क्या आशय है ये आपको पूरा लिखना है। तो शपथ पत्र किसे कहते हैं दोस्तों? ऐसा पत्र जिसमें व्यक्ति अपना कथन करता है उसको शपथ पत्र कहा जाता है। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? दोस्तों शपथ पत्र को क्या कहते हैं? वैसे भी आप इसको हलफनामा भी कह सकते हो। तो आप इसका आंसर हलफनामा भी लिख सकते हो। तो या आप इसका हलफनामा लिख सकते हो। अगला देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? दोस्तों वो राज्य है केरल। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने पूरा इसको लिख लिया होगा। तो अगला देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, ये हमसे छूट गया था, इसको हम समझ नहीं पाए थे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ब्रुसेल्स है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे का देख लेते हैं। आगे अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य आपको बताने हैं। तो चलिए इनके सत्य असत्य हम देख लेते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो फर्स्ट वाला महासागरीय जल अलवणीय होता है, तो ये दोस्तों पूरी तरह से असत्य है क्योंकि खारा पानी होता है महासागर का। दूसरा देखें दोस्तों तो दूसरा आपका सत्य है, ईसाई धर्म की शाखा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में विभाजित की जाती है। दोस्तों ये भी पूरी तरह से सत्य हो जाएगा आपका, भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से असत्य है, भारतीय स्टेट बैंक जारी नहीं करता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो दोस्तों सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कैसे हो सकता है ये भी गलत है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो ये छठा भी आपका पूरी तरह से सत्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सत्य असत्य लगा लेने हैं। अब चलिए हम वन बाय वन करके देखते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लेंगे, अब वन बाय वन करके मैं इन सभी के उत्तर फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा तो आप सबसे पहले ये प्रश्न नोट कर लें, जैसे कि पंचांग किसे कहते हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लें बराबर। अब चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों के उत्तर। इसके अलावा कुछ प्रश्न यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे, आप सभी लोग पहले इन प्रश्नों को देख लें। अब इन प्रश्नों को देख लेने के बाद में फटाफट हम इनके आंसर्स को देख लेते हैं कि इनके आंसर्स क्या होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर ये रहा। दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या था वो भी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो ये था, आप पूरा देख सकते हो, संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखिए। तो दोस्तों क्या समस्या है ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, पूरा आप इसको देख सकते हो, पूरा आपको इसको नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले एक प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 था जैव विविधता किसे कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरा इसको लिख सकते हो, ये जैव विविधता किसे कहते हैं ये पूरा इसका आंसर है, आप पूरा इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। तो चलिए आप इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न और उसका उत्तर। तो दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया गया था वो ये था, प्रश्न क्रमांक 8, तो जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण उसे सुनहरा रेशा कहते हैं, जूट के उपयोग, जूट की रस्सी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा इसका आंसर लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का उत्तर भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों
अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 8 दिया था, तो आप अपने हिसाब से चाहे जो लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 का ही अथवा वाला क्वेश्चन का ही आंसर है, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर। तो आपको अगर ऊपर वाला सही लगे या ये वाला सही लगे, जो आप भी चाहे उसको आप लिख सकते हो। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो आगे अगर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर है, आप पूरा इसको देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, तो पूरा आप इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। तो औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है दोस्तों, ये पूरा इसका आंसर है, आपको इस प्रकार से पूरा इसका आंसर बना के लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 9 को भी नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक अगला है ये, जो कि 10 नंबर का है। प्रश्न क्रमांक 10 में आपको देखने को मिलेगा, पंचांग किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये पूरा आपको इस प्रकार से लिख लेना है कि पंचांग किसे कहते हैं, या पूरा इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको भी पूरा लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। तो आगे अगर देखें दोस्तों, तो अगला प्रश्न दिया गया है इसमें, एप्रो अमेरिकी से क्या आशय है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 के उत्तर में पूरा आपको इस प्रकार से लिखना है कि एप्रो अमेरिकी के क्या आशय है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पूरा इसका उत्तर लिख सकते हो। आगे अगर देखें दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर जो है दोस्तों वो क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 की जगह पर ये प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हम बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं पाया, तो इसके बाद में हम उसका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख लेंगे। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है, या वस्तु विनिमय प्रणाली किससे क्या आशय है। तो दोस्तों प्रश्न 13 का अथवा वाला प्रश्न है ये, आप पूरा इसको देख ले और समझ ले। प्रश्न 13 का अथवा वाला प्रश्न है, आप पूरा इसको देख सकते हो। प्रश्न 13 की अथवा में लिखा गया है, वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है। जी हाँ दोस्तों, पूरा आपका ये उत्तर है, आप पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न ये है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया था प्रश्न क्रमांक 14। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर है, पूरा आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है दोस्तों, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरा लिख सकते हो दोस्तों, दो देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं के परस्पर विनिमय या आदान प्रदान को विदेशी व्यापार कहते हैं। जो देश माल भेजता है उसे निर्यात, एवं जो देश माल मंगाता है उसे आयातक कहते हैं, एवं उन दोनों के बीच होने वाले आयात निर्यात को विदेशी व्यापार कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 14 भी पूरा समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे के प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 14 हो चुका है दोस्तों। आगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अगला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 15, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है। तो आप पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, इस प्रकार से आप पूरा लिख सकते हो दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया गया है, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, पूरा आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्नों के उत्तर। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये रहा अगले प्रश्न का उत्तर। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 16 था दोस्तों, ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 जो था वो दिया गया था, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों ये पूरा इसका उत्तर है, आप पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको दोस्तों आपकी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, तो आप पूरा इनको लिख सकते हो। ये सभी 3-3 अंक वाले प्रश्न चल रहे हैं, यहाँ से प्रश्न क्रमांक 16 से आपके 3 अंक वाले प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो आप सभी लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जरूर लिखें। तो चलिए ये प्रश्न क्रमांक 16 हो चुका है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देखा जाए, तो इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान लिखिए, या औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए। दोस्तों ये जो है प्रश्न 17 का ये दोस्तों प्रश्न है, आप पूरा इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ये, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक लिखिए। तो दोस्तों क्या क्या मानवीय कारक है, श्रम है, बाजार है, परिवहन और संचार है। तो आप पूरा इसको डिटेल से भी बता सकते हो, या आप इतना भी लिखकर छोड़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों के उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है, पूरा आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्या किया। जी हाँ दोस्तों, तो ये पूरा इसका आंसर है दोस्तों, इस प्रकार से आप
इसका उत्तर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 18 का पूरा उत्तर दिया गया है। तो चलिए अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर भी लिख लेते हैं। आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पूरा आप इसको नोट कर लीजिएगा। दिया गया है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो विपक्ष की मुख्य भूमिका आज की सरकार पर सवाल उठाना तथा उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह ठहराना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पूरा इसका उत्तर भी लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 19 तक का पूरा सॉल्यूशन बना लिया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और उसका उत्तर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे टिप्पणियाँ पूछी गई थी। क्या पूछा गया था? प्रश्न क्रमांक जो 20 था उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर, इसमें तो ये थोड़ा लोकतंत्र में राजनीतिक दल, प्रश्न क्रमांक 19 तक का हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। और आगे अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जलियांवाला बाग के ऊपर टिप्पणी दी गई है। आप चाहे तो इसको भी पूरा इस प्रकार से लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। वैसे जलियांवाला बाग के ऊपर आपसे कोई भी प्रश्न में पूछा नहीं गया है, वैसे अगर आपको मिलता है तो आप इसके ऊपर टिप्पणी इस प्रकार से लिख सकते हो। तो अभी तक दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक 19 तक का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। और प्रश्न क्रमांक 20 में अगर देखा जाए तो प्रश्न क्रमांक 20 में आपको दोस्तों भारत के सीमाकार मानचित्र में आपको सिंगरौली, कल्पकम, तारापुर और बेलाडीला को आपको दर्शाना है। तो आपको मानचित्र में सभी चीज़ें इस प्रकार से दर्शानी है। तो आप स्वयं भी मानचित्र भर के तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपने सभी प्रश्न अच्छे से कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। दोस्तों इसी के साथ में एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था जिसका आंसर ये रहा। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 12 था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया था तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, आप पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो था इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, तानाशाही सरकार की व्याख्या कीजिए। तो तानाशाही सरकार किसे कहते हैं? वर्तमान समय में तानाशाही या अधिनायकवाद उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति प्राय सेनाधिकारी विद्वान नियमों की अनदेखी करते हुए डंडे के बल पे शासन करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सभी प्रश्न का उत्तर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अब सिर्फ एक प्रश्न बचा है, प्रश्न क्रमांक 21। जी हाँ दोस्तों, आपको प्रश्न क्रमांक 21 आपको स्वयं हल कर लेना है जिससे कि आपकी सभी तैयारियां अच्छे से हो सके, क्योंकि दोस्तों उसमें मानचित्र भरना रहेगा तो आप स्वयं भी उसको भर सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।